हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद तो इतनी है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं और मेरी इग्नेटर आए हैं कहीं ऐसे ही घूमने। देख सकते हो कैसे सड़कें हैं यहाँ पे। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, मतलब आप लोगों से पूछना भी है और आप लोगों को वो बताना भी है कि यार मैंने जो है 3-4 महीने पहले टायर डलवाए इसमें, वो भी अपोलो के। वो भी कोई ऐसा कोई शौक नहीं है भी हाँ जी अपोलो ही चाहिए मेरे को, पर ऐसा हुआ था कि उस जिस स्टोर से मैंने टायर लिए वहाँ पे मेरे को और कोई MRF का टायर नहीं मिला। वैसे मेरे को MRF ही पसंद है और वही चाहिए था, हालांकि उसमें जो है उतना ग्रिप नहीं होता है अच्छा, पर ऐसे कि उसमें मजबूती है टायर में और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल पड़ता है। तो इस टायर में क्या दिक्कत है, एक तो यार उल्टा लग रहा है मेरे को, उल्टा है ये टायर, इसे ये भी सीधा करवाऊंगा मैं, काफ़ी स्लिप करता है नहीं तो। इस टायर में एक दिक्कत आ रही है, मतलब पहले तो उसकी खूबी जान लो आप। इस टायर की ना रबड़ इतनी सॉफ्ट है, मतलब इतनी लिचपिची सी है ना, आप ऐसे दबाओगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि चिपक के चलता है वैसे टायर सड़क में। मैंने इतना इसका देखा ही, पीछे वाला भी अपोलो है और आगे वाला भी अपोलो का टायर है, तो ये चिपक के चलता है रोड से ऐसे जम के, मतलब कोई ऐसे स्लिप वगैरह नहीं आता। पर ये थोड़ा उल्टा है मेरे ख्याल से टायर, इसलिए थोड़ा स्लिप करता है, पर पीछे वाला मेरा टायर बिल्कुल सीधा है। तो इसमें मेरे को लगा इतना देखने मिला कि हाँ जी इसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि जैसे ये टायर है ऐसे लिचपिचा सा, ठीक है, मतलब एक सॉफ्ट सी रबड़ है ना। अब पहले मेरा MRF का टायर था तो उसमें क्या था कि वो सख्त था और थोड़ा पकड़ उसकी उतनी ज़्यादा नहीं थी, पर ऐसा था मजबूत था वो टायर, कि उसमें पंचर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं थी, तो हुआ भी नहीं वैसे हुआ। पर जब वो काफ़ी घिस गया टायर तब हुआ है ऐसा। तो इस टायर में क्या सीन है, तो भाई पहले तो ये देख लो, नया टायर और डायरेक्ट भाई पंचर, 2 महीने में पंचर। लगा भी देख, ध्यान से देखो भाई, लगा भी कहाँ पे है, बीच में नहीं लगा है, ये जो गुड्डी है ना इसमें लगाई है और साइड में एकदम से, मतलब इतनी आसानी से इसमें कील घुस गई क्या पूछो मत यार। अभी नया टायर अपोलो का, इसमें पकड़ अच्छी है, मैंने बोल तो बुराई नहीं मैं कर रहा, पकड़ अच्छी है इसकी, पर यार ये जो पंचर हो गया ना, अब ये मेरे समझ लो पीछे वाला टायर मेरे को 2300-2400 रुपये का पड़ा, जो कि बेकार चला गया। अगर मैं इसमें लिमिट की हवा डलवाता हूँ, इसमें 33 डाली जाती है पीछे वाले टायर में, तो अगर मैं इतनी हवा डाल देता हूँ, कभी कभार जो होते हैं जो हवा भरने वाले होते हैं वो सुनते नहीं, वो कभी कभार 40-35-40 इतनी डाल देते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो पंचर लगा है ना ट्यूबलेस में, वो थोड़ा सा लीक करने लग जाता है और हवा फिर से बाहर, ठीक है। तो इसको बार बार लगाते रहो पंचर, ये वो पंचर एक सबसे नए टायर में काफ़ी दिक्कत देता है। तो ये मैंने वैसे भी देखा है, MRF का जो टायर था मेरा पहले, उसमें मैंने ये थोड़ी नोटिस की है जी कि एक बार आपने पंचर लगा लिया उसके बाद आपको टायर की हवा प्रेशर थोड़ा देखना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, फिर ज़्यादा देर टायर नहीं चलता है। पर इसका ये नया टायर और नए टायर में पंचर, तो भाई बड़ी दिक्कत है। अब मेरे को नहीं पता, वैसे तो अपोलो में ऐड वगैरह देखता हूँ तो आई जैसे इंस्टा वगैरह में यूट्यूब में तो बताते हैं कि हाँ जी टायर काफ़ी, मतलब पकड़ इसकी काफ़ी मजबूत है, बर्फ में चलाने लायक हैं ये वो, पर यार मेरे को नहीं लगता ये कुछ खास है, मेरे लिए तो ये ठीक नहीं है। अब आप देख लो, मेरा पहले वाला जो टायर था पीछे वाला MRF का था और आगे वाला मेरा JK का था, JK भी ऐसे डाल दिया, पर MRF मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। और उसका सीन ऐसा था कि MRF का जो टायर है ना वो मजबूत भी था और उसमें ग्रिप उतना अच्छा नहीं था, पर ये जो था ना ये ऐसी लिचपिच नहीं थी, मतलब अगर आप कील वगैरह के ऊपर से भी अगर आप ले जाते हो नॉर्मल कील तो वो ना इसमें घुसने वाली नहीं थी, ठीक है, इतना मजबूत है यार मेरे को वो MRF का टायर लगता था। तो यार वो मेरे को मिला नहीं, मजबूरी में ये डालना पड़ा और आगे वाला भी फूलने लग गया टायर, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 साल की गारंटी देते हैं कंपनी वाले और 3 साल से ज़्यादा वैसे भी नहीं चलने वाले टायर, तो जितना चला सकते हो उतना चला लो, ठीक है। अब मेरे को तो ये दिक्कत आ गई कि भाई ये जो अपोलो में ये जो बताते हैं ना
ठीक है भाई, पकड़ तो ठीक है, पर यार थोड़ी मजबूती भी हो ना टायर में तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये पंचर लगने के बाद जो दिक्कतें आएगी अब मेरे को, वो तो अब भाई अब देखते हैं, अगर ज़्यादा ही होने लग गया टायर, मतलब कोई 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 तो ऐसा ही बोलेगा कि हाँ जी आप ट्यूब डलवा लो, अगर पंचर हो गया टायर ना ट्यूब डलवा लो। यार उसमें भी एक उतनी सेफ्टी नहीं होगी, क्योंकि पंचर अगर ये भी इसमें भी कील घुस गई है ना, तो घुसेगी तो फिर से भी है ना, तो फिर तो उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अब हो सकता है कि बाद में मैं इस टायर को चेंज करवा लूँ अगर फिर से इसमें मेरे को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि हवा थोड़ी सी कम मेरे को लग रही है कि हो ही गई है। तो अब देखते हैं यार क्या सीन है इनका। और भाई साहब मैंने एक और चीज़ देखी, ये जो आप चेन देख रहे हो ना, इसमें मैंने चेन कवर हटा दिया है। अब जितने बार मैं चिकड़ में जा रहा हूँ ना, पूरा का पूरा चिकड़ आ रहा है और इस चेन के ऊपर आ रहा। अब इसमें मुंबलैल भी लगाया, मतलब जो तेल लगाया हमने जिससे चिकनाहट रहती है चेन में, अब वो भी लगाया। अब इससे क्या हो रहा है कि ये इससे धूल मिट्टी ज़्यादा चिपक रही है और मेरी चेन जल्दी ख़राब होने के भी चांस है। तो अब इसका भी जुगाड़ देखना पड़ेगा मेरे को। चेन कवर तो शायद मैं ना लगाऊं, पर यहाँ से ढकने लायक थोड़ा कुछ जिससे कि इसमें कीचड़ वगैरह ना जाए, वैसा कुछ जुगाड़ मेरे को देखना पड़ेगा। बाकी तो ठीक ही है, बस मेरे को ये दिक्कत आई जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप ही बताओ यार कौन सा टायर वैसे सही है, कोई तो सीएट भी बोलता है ना। वैसे जेके टायर में मैंने देखा वो भी काफ़ी अच्छा था, पर फूल गया वो यार। पर अब शायद हो सकता है भाई, हाँ 3 साल 3.5 साल तो उस टायर को हो गए है ना। दोनों टायर मैंने एक साथ बदलवाया है, पहले भी और अब भी एक साथ ही बदले ये दोनों। तो सबसे ज़्यादा जेके भी मेरे को ठीक लगा, पर उसमें भी मैं थोड़ी सी कमी देखी। और पीछे वाला MRF का था, तो MRF के टायर में भी कोई दिक्कत ना आई है ना, पर अपोलो ने थोड़ा सा परेशान कर दिया भाई है ना। अब इतना ज़्यादा भी मैं बाइक दौड़ाता नहीं हूँ कि हाँ जी भाई चिपक के ही चलनी चाहिए रोड के साथ ये बाइक, मतलब कुछ भी है जो भी है। बाकी यार आपकी क्या राय है, कमेंट तो आप करते नहीं हो, जो भी 10-12 लोग मेरे को देख रहे हैं तो वैसे आप बता सकते हो कि कौन सा टायर बेस्ट है कौन सा नहीं। मेरे लिए तो बस MRF ही मेरे को बेस्ट लगता है, तो मैं देखता हूँ अगर ये ज़्यादा दिक्कत देगा तो मैं तो चेंज करवा दूँगा। बाकी आप बता देना आपके पास बाइक में कौन सा टायर लगा हुआ है।